ज्वेल ने ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के युद्ध में इस्तेमाल करने का वीडियो जारी किया है जिससे उसने लाल सागर के ऊपर हूथी आतंकियों की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। दरअसल यमन से हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के एलेट पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसे इसराइल ने ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल करके नाकाम कर दिया और उसी का वीडियो आईडीएफ की तरफ से अब जारी भी कर दिया गया है। और वही वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल ने एरो से हूथी की मिसाइल नाकाम कर दी थी। तो लाल सागर के ऊपर हूथी विद्रोहियों पर यह अटैक यहां पर किया गया है। आईडीएफ ने इसका वीडियो भी जारी किया। पहली बार एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती हुई इजरायली सेना यहां पर सामने आई है ताकि चुन चुन कर जितने भी हमास के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर खत्म किया जा सके। और बाकायदा अब इस हमले के बाद जो वीडियो है वो भी जारी कर दिया गया है। वो वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक इसी तरह से अब हमले और ज्यादा विध्वंसक और तेज होते जा रहे हैं। हर दिन युद्ध की रणनीति बदल रही है, लेकिन एक के बाद एक कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट भी इजराइल की ओर से किया जा रहा है। लेकिन पहली बार ये एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट करती हुई आईडीएफ की सेना इजरायली डिफेंस फोर्स यहां पर सामने आई है, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया है। पहली बार जब से हमास और इजराइल का ये युद्ध चला है तब से पहली बार उसने इस एरो डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। और इसी का इस्तेमाल करके उसने लाल सागर के ऊपर हूथी आतंकियों की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था और इसी का इस्तेमाल करके अब और युद्ध को भीषण यहां से कर दिया गया है। इसराइल ने उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म होने का दावा कर दिया। ये पूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल मतलब ये है कि उत्तरी गाजा पर इसराइल की फौज का कंट्रोल होने वाला है, यानी एक इस लिहाज से भी समझिए कि उत्तरी गाजा इसराइल के हाथों में आने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ये महाजंग, ये महायुद्ध इसराइल और गाजा दोनों का नक्शा ही बदल सकती है, क्योंकि उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ माना जाता है और महाजंग के शुरुआती दिनों से ही इसराइल की सेना यानी कि इसराइली सेना वहां के हमास ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे में उत्तरी गाजा से हमास के नियंत्रण खोने का सीधा मतलब यह है कि अब उसके अंत के दिन बेहद करीब आ गए हैं। और इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है। हमास के हाथ से निकला उत्तरी गाजा, हमास का कंट्रोल खत्म होने का दावा। इजराइल की सेना ने किया बड़ा ऐलान। गाजा हमास का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हमास के बड़े बड़े लीडर और कमांडर्स के बंकर को इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने घेर लिया है, लेकिन हमास का सफाया करते करते इजराइल ने अब तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को भी मौत की नींद सुला दिया है। हर घंटे 15 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, हर घंटे करीब 12 इमारतें जमींदोज हो रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि हमास के अंत के बाद इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा। गाजा की ऐसी कोई गली नहीं बची, गाजा का कोई चौराहा नहीं बचा, गाजा का कोई कस्बा नहीं बचा जहां लाशें नहीं बिछी। भयंकर दृश्य है इस वक्त पूरे गाजा का, क्योंकि गाजा पर इजराइल की सेना जोरदार हमले कर रही है और सबसे ज्यादा बमों की बारिश तो उत्तरी गाजा में हो रही है। वहां हवाई हमलों के साथ ही इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाया जा सके। इसी बीच इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमास ने उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है और अब वहां उसके लड़ाकों के पास बस बचे खुचे दिन ही बाकी हैं। यानी इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी वजह से हमास को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया।
end this war because we have no other choice. There's no life for us, there's no future for us and our neighbors if we allow the axis of terror. और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में अब हमास का वहां से सफाया भी हो जाएगा। कयास लगाए गए कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अगर उत्तरी गाजा उसके हाथों में आ गया तो फिर वो इजराइल की जमीन से जुड़ जाएगा, यानी वो पूरी तरह इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत से ही इजराइल की पूरी प्लानिंग ही गाजा के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के इरादे से रही है। क्योंकि इजराइल ने जंग शुरू होते ही गाजा को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर करीब 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर गड़ी थी। गाजा के उत्तरी हिस्से की सीमा की तरफ इजराइल के अशदूत और तेल अवीव समेत कई अहम शहर पड़ते हैं। गाजा के उत्तरी हिस्से में ही हमास ने अपना गढ़ बना रखा है, जहां से वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को आसानी से निशाना बना लेता था। लेकिन अब इजराइल ने गाजा के उसी उत्तरी हिस्से पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि गाजा का यह हिस्सा इजराइल के नक्शे में शामिल हो सकता है। गाजा में फिलहाल इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर नजर रखने वाली एजेंसियां दावा कर रही है कि इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से पर करीब करीब कब्जा कर ही लिया है और जो बाकी जगह बची है वहां भीषण जंग चल रही है। उत्तरी गाजा में ही शिफा अस्पताल है और दावा किया जा रहा है कि उसे भी इजराइल की सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है, साथ ही उस अस्पताल पर भी भीषण बमबारी की गई। To give them enough fuel to operate the hospital, operate the incubators and so on, because we have obviously no battle with patients or with civilians at all. And I think every civilian death, every dead baby is a tragedy. इजराइल का आरोप है कि अस्पतालों के नीचे हमास के ठिकाने हैं, इसीलिए इजराइल ने उन्हें भी घेर कर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों की चपेट में आकर कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शिफा अस्पताल में बिजली कटौती की वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साथ ही दावा किया गया कि उत्तरी गाजा का ये शिफा अस्पताल अब इलाज के लायक ही नहीं बचा। इजरायली बमबारी में इंडोनेशिया और अलकुद्स अस्पताल की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, जिसकी वजह से कई लोग उसी इलाके में फंस गए और इसके बाद उन पर हवा के रास्ते मौत आने का खतरा मंडराने लगा। उधर इजराइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी लगातार बेगुनाह और मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाकर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को अपनी ढाल बना रहे हैं और साथ ही बच्चों का भी ऐसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल की सेना ने दावा किया है कि वो बच्चों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता देगा।